गुड आफ्टरनून, मैं केके शर्मा। देखिए, गोवा से एक क्रिकेटर हैं, उनका नाम है श्री चंदू लमानी। मैं जब आज से 4-5 वर्ष पूर्व वहाँ पर मैच करने के लिए एज अ मैच रेफरी गया था, गोवा वर्सेस आई थिंक हिमाचल या जो भी टीम थी अगेंस्ट में, बहुत ही ज़बरदस्त विकेट मिला था वहाँ। जिस प्रकार की गाइडलाइंस जो BCCI की पिच क्यूरेटर्स के लिए रहती हैं, वो उस तरह का वो ट्रैक था। आउटस्टैंडिंग ग्राउंड था, ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ थी, और वो सारी देखभाल कर रहे थे श्री चंदू लमानी। अंडर 19 प्लेयर हैं, 3 वर्षों तक खेले अंडर 19, उसके बाद में अंडर 22 3 वर्षों तक खेले गोवा से, रणजी ट्रॉफी प्रोवेल्स में रहे, BCCI का Level 1 टॉप किया उन्होंने, उसके बाद में Level 2 के लिए उनको कभी भेजा नहीं गया। अफसोसजनक बातें हैं ये, बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन अब ऐसे चलेगा नहीं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कॉन्स्टिट्यूशन बना है और उसको अक्षर से पालन करना पड़ेगा, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, चाहे कलकत्ता हो, कोई भी बंगाल हो, कोई भी एसोसिएशन हो, सबको अक्षर से पालन करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। जो योग्य लोग हैं वो आगे आएंगे, अब नहीं रुक पाएंगे। आपने BA किया, BPEd किया, MPEd कर डाला, अब आपने थीसिस सबमिट कर डाली है। चंदू भाई, यू आर सिंपली आउटस्टैंडिंग है ना, आपकी जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है इन फिजिकल एजुकेशन, और उसके ऊपर इतना ज़बरदस्त आपने सब्जेक्ट चुना। देखिए, मेरी वाइफ भी जो है वो PhD है संस्कृत के अंदर, उसने PhD किया, उसका एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट था है ना, बोधायन, और उसमें भी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट और बोधायन एक धर्मसूत्र, और आपका स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड मोटर एबिलिटीज, मोटर फिटनेस, और वो भी स्पेसिफाइड करने के बाद में जूनियर क्रिकेटर्स ऑफ गोवा, सीनियर क्रिकेटर्स ऑफ गोवा। वर्णन चंदू भाई, कीप इट अप, वी ऑल इंडिया सैल्यूट यू, हैव अ कॉन्फिडेंस। आप Level 2 करेंगे, Level 3 करेंगे, मेरी दुआएं और मेरी गुजारिश, आने वाली जो गोवा क्रिकेट एसोसिएशन है वो इस तरह के शानदार लोगों को पीछे नहीं रहने देगी, आगे लेके आएगी। और देश में तो इस समय जो GM क्रिकेट ऑपरेशन है श्री सभा करीम, BCCI के हमारे, वो कितने मेहनत कर रहे हैं, आप जैसे लोग चाहिए उनको। सो प्लीज़ डोंट वरी, मैं गुजारिश करूँगा सभी से कि ऐसे लोगों को मोटिवेट करते रहें, पीछे ना रहने दें। सभी एसोसिएशन से मेरी गुजारिश है, नॉर्थ ईस्ट के अगर मेरे साथी लोग मेरी वीडियो को सुनेंगे तो अवश्य जो है चंदू लमानी जैसे लोगों को आगे लाने का प्रयास करेंगे, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, तेलंगाना हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, चंदू लमानी जैसे लोग को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आउटस्टैंडिंग 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 चंदू भाई।